साल 1903 में कोणार्क में के सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को रेत और बालू से अचानक पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया। इस घटना को कर तकरीबन 118 साल बीत गए तो आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आप आसपास की जगहों को घूम सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर अधूरा है, ये मंदिर श्रापित है, ये मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी, इस मंदिर में रात के वक्त नृत्यकियों के नाचने की आवाजें आती हैं। कई रहस्य हैं इस मंदिर के बारे में, जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों, एक सवाल जो बार बार हमारे दिमाग में कोंता रहता है कि जब ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, इस मंदिर की भव्यता के कारण ही ये देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लबालब चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरह से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है, जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य भगवान को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र साम्य को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें श्री कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य देव की उपासना करने को कहा था। साम्य ने मित्र वन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या करी और सूर्य देव को प्रसन्न किया। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे इनके, उन्होंने इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद साम ने एक सूर्य भगवान का मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया। अपने रोग नाश के बाद में चंद्रभागा ये मूर्ति सूर्य देव जी के शरीर के भाग से ही देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। साम ने अपने बनवाए मित्र वन में मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माने जाने लगा। कोणार्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि आज भी नृत्यकियों की आत्मा आती हैं। अगर कोणार्क के लोगों की माने तो यहाँ पर शाम को आज भी नृत्यकों की घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है, जो कभी राजा के दरबार में यहाँ नृत्यकियाँ होती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर की पिलर टूकी हुई थी। ऐसा है कोणार्क सूर्य मंदिर का अद्भुत रहस्य।